press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमारे देश में 5G का ट्रायल इस साल सितंबर से शुरू होने वाली है। देश में अभी 4G नेटवर्क चलता है, लेकिन अगर 5G स्पेक्ट्रम ट्रायल शुरू हो गया तो ट्रायल में इंटरनेट की स्पीड और बढ़ेगी। गौरतलब है कि 5G नेटवर्क का ट्रायल इस वर्ष मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने से पहले टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम 6 महीने तक 5G डिवाइस और स्पेक्ट्रम का ट्रायल लेना होगा। टेलीकॉम कंपनियां सितंबर से 5G स्पेक्ट्रम ट्रायल शुरू करेंगे ताकि वो अपने 5G डिवाइस की जांच कर सके। मिली जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल के लिए चाइनीज कंपनी जैसे कि हुआवे ZTE को बाहर रखा है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि चाइनीज कंपनियां ट्रायल या ऑक्शन में शामिल नहीं हो सकती हैं। दिसंबर 2019 में जिन कंपनियों ने 5G ट्रायल के लिए एप्लीकेशन जमा किया था, उनमें सिर्फ नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग को ही 5G ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी गई है। भारतीय एयरटेल ने अपना एप्लीकेशन जमा किया है और वह सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन के साथ 5G ट्रायल करेगी। हुआवे जैसी कंपनियों को 5G ट्रायल से दूर रखा गया है। आपको बता दें कि कंपनियों को सितंबर से ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम मुहैया करवाया जाएगा। भारत में हुआवे ZTE को 5G ट्रायल से पूरी तरह बाहर रखा गया है। 5G ट्रायल में भारत के टेलीकॉम कंपनियों के साथ नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग 5G ट्रायल में हिस्सा लेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में 5G का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हाल ही में अमेरिका ने अपने 5G ट्रायल से हुआवे और ZTE को बाहर रखा है। साथ ही साथ अमेरिका दूसरे देशों को भी सलाह देते आया है कि वे भी चीनी कंपनियों को अपने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में शामिल न करें। अमेरिका का कहना है कि चीन की इन कंपनियों से साइबर सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि ये कंपनियां जानकारी लीक कर सकते हैं। सीमा विवाद के बाद चीनी कंपनियों पर चल रही भारत की कार्रवाई अभी भी जारी है। अब सरकार ने चीन की टेक्नोलॉजी हुआवे और ZTE पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। सरकार ने हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से दूर करने की तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही दोनों कंपनियों पर बैन की घोषणा कर सकती है। दूरसंचार मंत्रालय 5G ट्रायल के लिए प्राइवेट कंपनियों के पेंडिंग आवेदन को मंजूरी के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 5G ट्रायल के लिए आवेदन किया है, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसमें देरी हो रहा है। परंतु सितंबर से 5G ट्रायल तीनों ही कंपनियों के लिए शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन सरकार से जुड़ी चीनी कंपनी हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से बाहर कर दिया है। भारत भी इसी दिशा में कदम उठाने जा रहा है। हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया गया है, इसलिए सितंबर से शुरू हो रही 5G ट्रायल में नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनियों को मौका मिला है, परंतु हुआवे और ZTE को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप में टेलीकॉम कंपनियों को $4 बिलियन का निवेश करना होगा। यह भारतीय कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और सरकारी टेलीकॉम कंपनी 4G नेटवर्क को मुनाफे वाला बनाने के लिए जूझ रही है। मुकेश अंबानी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम 5G नेटवर्क रोल आउट के लिए तैयार है। मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो ने 5G की पूरी तकनीक इन हाउस डेवलप की है। रिलायंस समूह का कहना है कि उन्हें नए सिस्टम में स्विच करने के लिए विरोधियों की तरह ज्यादा राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड किन किन कंपनियों के साथ 5G ट्रायल करेगा। बात करें जियो की तो जियो ने 5G ट्रायल के लिए सैमसंग और नोकिया का सहारा दिया है। भारतीय एयरटेल ने सैमसंग, नोकिया, हुआवे और एरिक्सन का सहारा लिया था, परंतु हुआवे को अभी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बात करें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने सैमसंग, नोकिया, एरिक्सन और हुआवे का सहारा लिया है, परंतु हुआवे और ZTE को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भारत में 5G ट्रायल अगले महीने यानी कि सितंबर से शुरू हो जाएगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।